मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार विदेश दौरे पर हैं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले वो ब्रिटेन में थे और आज जर्मनी की वारविक यूनिवर्सिटी का वो भ्रमण करने जा रहे हैं। ग्रुप के डीन, फैकल्टी मेंबर्स और जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ सीधा संवाद करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और आज जर्मनी के लिए भी रवाना होंगे। 28 और 29 नवंबर को जर्मनी में रहेंगे सीएम। म्यूनिक और स्टटगार्ट में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो आज वारविक यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स के साथ मुख्यमंत्री का संवाद है और इन्वेस्ट के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर कुछ ऐसी बात जो हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कामगार साबित हो, ये भी सीखने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश में मौजूद हैं। उनका ब्रिटेन दौरा लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात है कि सीएम लगातार निवेशकों से चर्चा कर ही रहे हैं। आज के कार्यक्रम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिटिश संसद के सदस्यों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रवासी भारतीयों से संवाद भी करेंगे, फ्रेंड्स ऑफ एमपी नेटवर्क का विस्तार भी करेंगे, उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही कपेरो हेलोन संस्थाओं के साथ निवेश पर भी चर्चा होगी। शहरों के पुनर्विकास और नई तकनीक की भी जानकारी मुख्यमंत्री यहां पर विशेषज्ञों के साथ लेते हुए संवाद करते हुए नजर आएंगे। सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार मध्य प्रदेश इस उम्मीद की नजरों से मुख्यमंत्री के इस दौरे को देख रहा है कि मध्य प्रदेश को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और मुख्यमंत्री भी लगातार प्रयासरत हैं मध्य प्रदेश में निवेश आए इसके लिए और मध्य प्रदेश में युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया मिले इसके लिए भी वो मेहनत कर रहे हैं। देखिए विवेक, निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव का 6 दिवसीय जो ये दौरा विदेश दौरा है ब्रिटेन और जर्मनी का, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तब जब मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार इन्वेस्टर समिट कर रहे हों और लगातार निवेशकों को तलाश रहे हों कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक है मध्य प्रदेश में आए, ऐसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ब्रिटेन में भी निवेशकों के साथ बैठक की और उनसे बातचीत की और उन्होंने कई बड़ी बातें भी की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र या फिर कोयम्बटूर हो या भारत के कोई और राज्य हों, उसकी अपेक्षा मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं निवेशकों को अब लुभा रहा है और निवेशकों की जो निवेशक के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो राह है वो अधिक आसान भी है। और बड़ी बात यह है कि आज की अगर बात करें, आज वो अभी ब्रिटेन में ही है। ब्रिटेन में आज वो वारविक विश्वविद्यालय जाएंगे जहां पर वहां की फैकल्टी जो है, डीन जो है, उनसे मेल मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो शोधकर्ता विद्यार्थी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव और ब्रिटेन के बाद फिर वो जर्मनी के लिए रवाना हो जाएंगे। जब जर्मनी पहुंचेंगे तो 2 दिन जर्मनी दौरे पर विवेक मुख्यमंत्री मोहन यादव रहने वाले हैं, जहां पर जर्मनी में भी निवेशकों से बातचीत करेंगे, गोलमेज में बातचीत करेंगे। और बड़ी बात यह है कि निवेशकों को कहेंगे कि जब 2025 में जो बहुत शुक्रिया आपका सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।